ये चुनाव को देखते हुए लगातार जनपद मऊ में अभियान जारी है, जिसमें शराब है या नशीले पदार्थ है या अवैध असला है, इसके संबंध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के क्रम में हलदरपुर पुलिस और स्वाट टीम को कल शाम को ये सफलता मिली है, जब मुखबिर के सूचना पे उनके द्वारा 4 शातिर अभियुक्तों को पकड़ा गया, जो एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर है। इनके द्वारा उड़ीसा से लेकर के 70 किलोग्राम गांजा एक जीप में लाया जा रहा था, जिसको वो मऊ में और आजमगढ़ के कुछ एरिया में देने के लिए ला रहे थे। इनको मुखबिर के सूचना पे पकड़ा गया तो इनके पास से 70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो जीप मिली है जिसमें ये लेके आ रहे थे, इसके बारे में भी इनसे पूछताछ की गई तो ये बात पता चली है कि ये जीप के बारे में भी ये कुछ बता नहीं पाए और ये नंबर फर्जी नंबर प्लेट पे इसको चला रहे थे। तो उसके संबंध में भी, जो फर्जी नंबर प्लेट पे ये गाड़ी चला रहे थे उसके संबंध में भी इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो गांजा बरामद हुआ है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये लगभग 70 किलोग्राम गांजा इनसे मिला है, तो जो पूछताछ में और अन्य सोर्सेज से जो पता चला है, लगभग इसकी अनुमानित कीमत 8.5 से 9 लाख रुपये। सर, ये जो तस्कर पकड़े गए, ये पुराने हैं कि नए तस्कर? इन लोगों से अभी जो पूछताछ की है तो इनमें से एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि वो पहले से ज़्यादा समय में इन्वॉल्व रहा है, परंतु ये पहली बार पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ जो गाड़ी है और जो गांजा है, दोनों केसेस में कार्रवाई की जा रही है। आगे चल के इनके खिलाफ न्यायालय से पैरवी करके और प्रभावी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। ये पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि मऊ और आजमगढ़ में कुछ लोगों से इनका संपर्क है, उसके संबंध में डिटेल में रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ। सर, आजमगढ़ किराए पे मिले गाजी की दुकान से इसका कुछ संबंध है? पिछले कुछ दिनों पहले आप सबको विदित है कि वहाँ पे भी छापा मारा गया था और वहाँ पे कुछ बरामदगी हुई थी। अभी पूछताछ में ये लिंकअप उनसे नहीं हो पाया है, परंतु अभी पूछताछ भी काफ़ी गहनता से नहीं हुई है। न्यायालय से रिमांड लेने के बाद जब डिटेल में पूछताछ होगी तो इनके जो जिन जिन लोगों से संबंध है उसके बारे में भी और स्थितियां उजागर हो जाएगी।